अस्सलाम वालेकुम नाशे एडिट्स के देखने वालों को खुश आमदीद। तो जी व्यूअर्स, आज हम खरगोश के गोश्त पर बात करेंगे। वैसे तो यूरोप और बाकी तरक्की याफ्ता दुनिया रैबिट मीट में छुपे राज से आशना हो चुकी है, मगर अब पाकिस्तान में भी खरगोश की फार्मिंग की तरफ तवज्जो दी जा रही है और खरगोश का गोश्त खाया भी जा रहा है। मगर अभी भी बहुत ज़रूरत है कि लोगों को रैबिट मीट के फ़ायदों का पता चले, तो इसी सिलसिले में हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। इसमें हम आपको रैबिट मीट के हवाले से 12 ऐसे फ़वाद बताएंगे कि जो शायद आपको मालूम ना हो। इसका हर एक फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है, तो चलते हैं फ़वाद की तरफ। नंबर वन, पहला फ़ायदा, हाई प्रोटीन मीट है। डाइट के हवाले से एहतियात करने वाले लोग खुशी से इस्तेमाल करें। नंबर टू, फैट कंटेंट बहुत कम है, या यह हम कह सकते हैं कि फैट लेस है। दिल के मरीज़ को कोई मसला नहीं है इसे इस्तेमाल करने में। नंबर थ्री, इसमें विटामिन B3, विटामिन B12 और फास्फोरस है। नंबर फोर, सोडियम बहुत कम है, तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फाइव, कैलोरीज बहुत कम है। नंबर सिक्स, मुर्गी के गोश्त का बेहतरीन नेमुल बदल है। नंबर सेवन, तासीरी लिहाज से गर्म है। नंबर एट, मर्दाना कमज़ोरी दूर करता है। नंबर नाइन, जिस्म में दर्द और थकावट का जो एहसास होता है वो ख़त्म हो जाता है। इंसान हमा वक्त खुद को हशाश बशाश महसूस करता है। नंबर टेन, रेशे के मरीज खरगोश का मगज खाएं तो सेहत याब हो जाएंगे। नंबर 11, ये बुढ़ापे को दूर करता है, यानी बुढ़ापा देर से आता है। जब इंसान का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो उस पर बीमारियां और बुढ़ापा देर से आता है। सबसे आखिरी नंबर 12, ये सबसे अहम है, पूरा पाकिस्तान इस मसले से एक तरह से जंग कर रहा है, वो है कोलेस्ट्रॉल। पाकिस्तान में हर तीसरा फर्द कोलेस्ट्रॉल के मर्ज में मुबतला है, और हर गोश्त में, चाहे वो कोई गोश्त है, मटन है, बीफ है, चिकन है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है। मगर सबसे अहम बात यह है कि रैबिट मीट में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह निगहबान।